हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? फाइन। चलो आज हम क्या बोल सीखेंगे। चलो देखो, सबके पास ऐसी स्केच बुक है ना, ये सबके पास। तो देखो, ये जो स्केच बुक है ना, ये स्केच बुक का जो फर्स्ट पेज है, देखो ये जो फर्स्ट पेज है ना, इसमें डेट, टाइटल और मार्क्स, इधर टाइटल लिखना है और ये जो पेज है इधर आपको ड्रॉ करना है। हम जो ड्रॉ करना है वो दिखा दे, वो ड्रॉ करना है और इधर ड्रॉ करना है। ये ड्रॉ करके उसके पीछे उधर कुछ भी ड्रॉ नहीं करना है, समझ में आया? इधर ड्रॉ करना है, एक पेज पीछे वाला छोड़ देना है। हम इधर ड्रॉ करते हैं तो उसके बाद में क्या होता है कि जो ड्रॉ करके कलर करते हैं वो कलर हमको पीछे दिखाई देता है इधर, इसलिए हमको ये पेज छोड़ना पड़ता है। तो जब हम ड्राइंग देते हैं तो आपको ये पेज वाले पेज ड्रॉ करना है और उसके पीछे वाला पेज छोड़ देना है, समझ में आया सबको? हाँ। तो हम ये पेज पर जब ड्राइंग करते हैं तो लाइट, एकदम लाइट पेंसिल लेनी है, डार्क पेंसिल लेना नहीं है। क्यों? कि जब हम डार्क पेंसिल से ड्रॉ करते हैं ना तो क्या होता है, डार्क डार्क होता है और कुछ गलत हुआ नहीं तो हमको उसको रफ करना पड़ता है, और जब हम उसको रफ करते हैं ना तो उसमें क्या होता है, रफ करने से वो जो पेज होता है ना वो डार्क डार्क गंदा गंदा हो जाता है, फिर हम अच्छे ड्रॉइंग बनाते तो ड्रॉइंग अच्छा नहीं बनता है। इसलिए जब भी हम ड्रॉइंग करते हैं तो लाइट पेंसिल से धीरे धीरे डॉट डॉट करके करना है। तो हम दिखाते हैं कैसे करना है, जो डॉट डॉट करके करते हैं ऐसे ही हम, तो फिर क्या होता है, फिर उसके ऊपर सर्कल जो किया है उसको हम पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, समझ में आया? जैसे ही आपको करना है, देखो स्टैंडर्ड फर्स्ट स्केच बुक में ड्रॉ करना है क्रिकेट सेट। क्या ड्रॉ करना है? क्रिकेट सेट। तो हम शांति से ड्रॉ करेंगे, वो क्या है, बॉल, बैट, स्टंप, आप सबको ये ड्रॉ करना है, समझ में आया? ठीक है, बाय।